लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। एडाप्टेशन मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट या चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं एडाप्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एंशियंट एज में जाए तो स्टोन एज एक एज था, फिर मेटल एज एक एज आ रहा है, फिर उसके बाद नियोलिथिक एज आ रहा है। तो ये एडाप्टेशन था, ह्यूमन बींग एडाप्ट हो रहे थे, तो इसको एडाप्टेशन बोलेंगे। एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स एनिमल प्लांट्स, इनको क्लासिफाई किया जाएगा इन अ डिफरेंट वे एज पर देयर सिमिलैरिटीज। जैसे जो सिमिलैरिटीज होती है उसके बेस पे क्लासिफाई किया जाएगा। तो ये एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, सेवेंथ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, द लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अ ग्रेट वराइटी ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ पे बहुत सारे प्लांट तुम देखोगे, बहुत सारे स्पीसीज, मतलब बहुत सारे वराइटी के। वराइटी मीन्स होता है बहुत सारे डिफरेंसेस के बेस पे प्लांट होते हैं। ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। सम प्लांट्स हैव कलरफुल, मतलब कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, मतलब कलरफुल फ्लावर्स। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं। तो ये सब डिफरेंस के बेस पे है। जैसे फ्लावर्स वाले जो प्लांट हैं उसमें कुछ नॉन फ्लावरिंग भी होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं। और सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर एंड सम आर फाउंड इन डेसर्ट। डेसर्ट मतलब जैसे जो जहाँ पे मोस्टली पानी नहीं होता है, डेसर्ट एरिया होता है, वहाँ भी प्लांट्स होते हैं, पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो प्लांट ग्रो होते हैं उनको डेसर्ट प्लांट बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कैक्टस, कैक्टस जो होता है वो डेसर्ट में ग्रो होता है। तो ऐसे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट डेसर्ट में ग्रो होते हैं। विच हैव अ स्कैसिटी ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पे डेसर्ट में स्कैसिटी होता है, पानी का शॉर्टेज, स्कैसिटी ऑफ वाटर। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन, कुछ प्लांट स्नो रीजन में देखे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम स्नो रीजन, जैसे हमारा आर्टिक ओशन है, वहाँ पे भी प्लांट्स पाए जाते हैं स्नो रीजन्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, तो वो स्नोई रीजन होता है, वहाँ पे बर्फ होती है, वहाँ भी प्लांट्स पाए जाते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विद आउट अ माइक्रोस्कोप, इतने प्लांट्स इतने छोटे होते हैं कि तुम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्हें देख सकते हो। तो माइक्रोस्कोप अगर नहीं रहेगा तो वो तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे, इतने छोटे प्लांट्स भी होते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट्स वाटर में रहते हैं, वाटर में ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट डेसर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, और कुछ प्लांट्स स्नोई रीजन में, मतलब बर्फ एरिया में ग्रो होते हैं, बर्फीले एरिया में। तो ऐसे ये प्लांट की डाइवर्सिटी है। प्लांट की क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। और कुछ प्लांट्स इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी वो दिखाई, माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही वो दिखाई देंगे। अगर माइक्रोस्कोप नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देंगे। वेयर हैज सम प्लांट्स वेयर हैज सम आर ह्यूज इन साइज, और हम देखते हैं कुछ प्लांट्स वो बड़ी बिग साइज के भी प्लांट्स होते हैं। लाइक प्लांट्स, ये सब प्लांट्स की प्लांट्स में जो वैरायटी थी वो हमने स्टडी किया है, प्लांट्स की वैरायटी। वैसे ही एनिमल टू हैव शो डाइवर्सिटी, एनिमल्स में भी वैरायटी होती है, डिफरेंसेस होते हैं, डाइवर्सिटी होती है। सम आर यूनिसेलुलर, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोइबिया तुम देखे रहोगे, वो यूनिसेलुलर होता है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, जिसमें एक ही सेल होता है, तो वैसे यूनिसेलुलर। अदर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर जैसे हम खुद, हमारा एग्जांपल ले ले, हम मल्टीसेलुलर है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, तो ये मल्टीसेलुलर। सम आर वर्टिब्रेट वेयर अदर आर इनवर्टिब्रेट,
कुछ वर्टिब्रेट होते हैं उसमें, वर्टिब्रेट मतलब जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम होता है, जैसे बैकबोन होती है, और कुछ है इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होता है, बैकबोन नहीं होती है, तो इनको इनवर्टिब्रेट बोलेंगे। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, तो ये एनिमल्स में बहुत सारी वैरायटी है, इसको भी अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, रेप्टिलियन, जैसे मैंने एरियल एग्जाम्पल तुमको दिया है, एक्वाटिक जैसे फिश हो गया, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं, एम्फीबियंस जो पानी जमीन दोनों पे रहते हैं, रेप्टिलियन जो घसड़ते हैं ऐसे जानवर, फिर उसके बाद एरियल जो हवे में उड़ते हैं, हवे में मोस्टली पेड़ पे रहते हैं, तो ऐसे एरियल एक्सेट्रा। द ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू द क्वेश्चन हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इन टू बींग। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है हमेशा कि इतनी डाइवर्सिटी, ऐसे अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स कहाँ से आए, कैसे आए, तो ये एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे ये चैप्टर तुमको स्टडी, हमको स्टडी करना है। तो आर द प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ अ सेम टाइप, जैसे कश्मीर एक नॉर्थ रीजन है इंडिया का और एक राजस्थान भी इंडिया का रीजन है जो डेसर्ट है, और कश्मीर जो है वो पूरा स्नोई रीजन है, वहाँ पे बर्फ होती है, स्नोई रीजन होता है। तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंस जो पाया जाता है कि ये एनिमल अलग होता है, बट राजस्थान का जो एनिमल होता है वो अलग होता है। यहाँ का फॉर एग्जाम्पल प्लांट अलग होगा और यहाँ का प्लांट अलग होगा, ये डिफरेंस। कैन यू एलोबरेट ऑन एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, तो हमको इसमें बोला जा रहा है कि हम इसको एलोबरेट करेंगे, इसको डीप एक्सप्लेनेशन देंगे, इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे एलोबरेट। तो यहाँ पे दिया है कॉनिफीरियस ट्रीज लाइक पाइन एंड डियोडर, तो ये एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कश्मीर में कौन से टाइप के प्लांट अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कॉनिफीरियस ट्री, तो यहाँ पे कॉनिफेरियस ट्रीज लाइक पाइन एंड डियोडर, ये डियोडर ट्री का नाम है, पाइन भी ट्री का नाम है, फ्लरिश इन स्नोई रीजन लाइक कश्मीर, कश्मीर में ये ट्रीज हमको दिखाई देते हैं मोस्टली। हाउएवर इन द डेसर्ट्स ऑफ राजस्थान प्लांट लाइक कैक्टस एंड अकेशिया बबूल आर टू बी फाउंड, तो हम देखेंगे राजस्थान का जो रीजन है इंडिया के अंदर वहाँ पे जो प्लांट मिलते हैं वो कैक्टस एंड अकेशिया होते हैं, आर टू बी फाउंड। द कैमल अ डेसर्ट एनिमल इज नॉट फाउंड इन कश्मीर, जैसे कैमल है वो कश्मीर में नहीं मिलेगा, कश्मीर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे ठंड रीजन है। कैमल जो होता है वो एनिमल मोस्टली डेसर्ट एरिया के बेस पे अडाप्ट हुआ है, तो वो उसका जो अडाप्टेशन हुआ है वो डेसर्ट एरिया के बेस पे है, तो कैमल डेसर्ट रीजन में मिलेगा। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, तो इसमें रीजन दिया है कि क्या रीजन है, इनमें डिफरेंस क्यों है प्लांट में और एनिमल में। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, यहाँ पे अडाप्टेशन का क्लियर मीनिंग दिया है। ग्रेजुअल मतलब स्लो चेंजेस, बॉडी के अंदर जो चेंजेस होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स चेंज होते हैं, इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और हमारे ऑर्गेनिज्म में जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, और हम हमारे सराउंडिंग के बेस पे खुद को डेवलप करते हैं, सच चेंजेस आर कॉल्ड अडाप्टेशन, इसी को ही हम अडाप्टेशन बोलेंगे। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जल्दी होता नहीं है, जैसे एक बच्चा छोटे से बड़ा वो अगर डेसर्ट रीजन में हुआ है तो उसकी जो बॉडी रहेगी, उसका जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो बेस पे वहाँ के एनवायरमेंट के बेस पे, वहाँ का जो सराउंडिंग है उसके बेस पे डेवलप होता है, तो इसी को हम एडाप्टेशन बोलेंगे। ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल मीन्स स्लो,
ग्रेजुअल मीन्स स्लो, स्लो चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारा जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स है वो पूरे ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस डेवलप होता है एज पर द सराउंडिंग, इसी को हम एडाप्टेशन बोलेंगे। एडाप्टेशन, तो एडाप्टेशन का मीनिंग, व्हाट इज एडाप्टेशन, इसका आंसर तुम यहाँ देख सकते हो। ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन अ बॉडी पार्ट एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, सच चेंजेस आर कॉल्ड एडाप्टेशन। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे टेबल को हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे टेबल पे हम इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, हैबिटेट, टाइप्स ऑफ रूट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, तो यहाँ पे टेबल हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोटस कौन सा प्लांट होता है, एक्वाटिक होता है, इसका हैबिटेट एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब लोटस वाटर के अंदर ग्रो होता है, तो इसके लिए इसको एक्वाटिक लिखा है। टाइप ऑफ रूट, इसके जो रूट होते हैं वो फाइब्रस टाइप होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, लार्ज एंड राउंड विथ वैक्सी लेयर, इसके जो लीव्स होते हैं वो लार्ज एंड राउंड विथ अ वैक्सी लेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, हॉलो एंड फ्लेक्सिबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, इसका जो स्टेम होता है वो अंदर से हॉलो एंड फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब हम इसको बेंड कर सकते हैं इजिली, तो उसको बोला है। यहाँ पे और दो इन्फॉर्मेशन दिया है, कैक्टस एंड बनियन, तो हम ये इन्फॉर्मेशन, कैक्टस का हैबिटेट क्या है, उसका रूट कौन से टाइप का होता है, उसका लीव्स कौन से टाइप का होता है, ये हम इजिली गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं। तो ये हमको गूगल के थ्रू से सॉल्व करना है और कमेंट में इसके आंसर्स एक वन टाइम सॉल्व करके बताना है। ये हमने अभी फर्स्ट पेज का स्टडी